हेलो फ्रेंड्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिस नाश्ते को बनाने के लिए सिर्फ एक कप आटे की आवश्यकता होती है। एक कप आटे में आप 4 से 5 इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि गेहूँ के आटे का बन के तैयार होता है। इसमें सबसे खास बात यह होती है कि अगर आपके पास बहुत कम सामग्री है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, या फिर आपके पास सामग्री ज़्यादा है उसमें भी डाल के आप बना सकते हैं। इस नाश्ते को सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या ज़्यादा भूख लगी हो तब आप बना के खा सकते हैं। ये बहुत कम समय में 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। इसके साथ आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं या फिर सॉस यूज़ कर सकते हैं, चिली या टोमेटो, या फिर आप घर में जो भी चटनी बना के रखे होंगे मिर्ची की, अदरक वाली, टमाटर वाली या फिर मीठी वाली, तो उसके साथ भी आप सर्व करिए। बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बड़े बच्चे बूढ़े हर किसी को ये पसंद आता है। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। इसको आप सुबह 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 गेहूँ की चीज़ें खानी चाहिए, गेहूँ से बना चीज़ें, तो आप इस नाश्ते को आप सुबह सुबह बना करके दे सकते हैं बच्चों को, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी, बहुत कम समय में बन के तैयार होता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिया है 1 कप आटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखिएगा, 1 कप आटे में मैं 5 बना करके तैयार करने वाली हूँ इसको। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई प्याज, 2 छोटी साइज की प्याज लिया हुआ था मैंने, 1 टमाटर बारीक कटी हुई, बिल्कुल बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना इससे नाश्ते ख़राब हो सकते हैं, गीले हो सकते हैं, अदरक बारीक कटी हुई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टमाटर का जो बीच वाला गुद्दा वाला एरिया होता है उसको हो सके तो साफ़ कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, वरना उससे नाश्ता गीला हो जाएगा और बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल दिया है और अब मैं तीखा के लिए मिर्च डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च का प्रयोग ना करें या फिर कम करें, क्योंकि ये तीखा वाला मिर्च है, हरा मिर्च। अजवाइन 1 छोटी चम्मच, अजवाइन पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, ये पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो फट से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अच्छे से इसको मिला लेते हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इस लिक्विड को तैयार करेंगे, इस पेस्ट को तैयार करेंगे। आप अपने मनपसंद के जो भी सब्जी आप खाते हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसमें से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप पत्ता गोभी अगर आपके पास है तो उसको ऐड कर दीजिए, और कैप्सिकम है आपके पास तो उसको ऐड कर दीजिए। तो आप जो भी चीज़ें खाते हो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी मनपसंदीदा चीज़, और नहीं तो सिर्फ टमाटर और प्याज डाल के ही बना सकते हैं। 1/3 चम्मच, छोटी चम्मच से मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, ये अच्छा सा कलर इसको देगा। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता है, इसको सुबह सुबह हम नाश्ते में प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और कुछ भी नुकसान वाली चीज़ें नहीं हैं। बैटर पे आप ध्यान दीजिएगा, बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर लिक्विड होगा तो ये अच्छे से बन नहीं पाएगा, सारे नाश्ते जो है वो ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए और ना ही सॉलिड होना चाहिए। अगर सॉलिड होगा तो बीच में टाइट हो जाएगा जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद में कच्चापन सा लगेगा। तो अब ये हमारे बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए, तो चलते हैं गैस पे। अब आप तवा नॉनस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लोहा का तवा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोहे के तवे पे बना रहे हैं क्योंकि लोहे के तवे पे बहुत अच्छे से बन जाता है। बनाने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा इसको खाने में हम प्रयोग करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इसीलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिए यहाँ पे, और हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद गैस के फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके और फिर इसको डालना शुरू कर दिया मैंने। आप देख रहे हैं बैटर कैसा है, बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड में ही है, बहुत लिक्विड होता तो फैल जाता पूरा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको जितना पतला करना चाहें पतला यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लेयर को जितना पतला देना चाहें दे सकते हैं, मोटा देंगे तो भी कोई बात नहीं क्योंकि बीच में बहुत आसानी से पक जाता है ये। अब इसको धीरे धीरे साइड से निकालते हुए आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बन रहा है ये, और ये बहुत ध्यान से इसको पलट देना है, ये देखिए इतना लचीला होता है, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। हल्का हल्का ऑयल और लगा देते हैं ताकि पिछले वाले एरिया में भी ऑयल पहुँचे और वो अच्छे से पके, चिपके ना बिल्कुल।
और ये देखिए एक हमारी बनके तैयार हो गई है, दोनों तरफ अच्छे से पक चुकी है। इसी तरीके के बहुत सारे नाश्ते हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत तरह के नाश्ते मिल जाएंगे, हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी। और ये बहुत टेस्टी सा, आप देख रहे हैं कि बीच में पड़ गया उठाने की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा लचीला है कि तुरंत ये टूट जाते हैं। सबसे खास बात इसकी यही है, जितना आसानी से ये टूट रहा है, जितना ही लचीला है, उतनी आसानी से ये डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरे को भी बना के आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से बनानी है। जब एक तरफ हल्का सा पक जाए उसके बाद दूसरी तरफ इसको चेंज करना है। अब देख सकते हैं हल्दी की वजह से ये कलर कितना ज़्यादा सुंदर आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, फटाफट से खाने की इच्छा हो रही है। इसको अगर आप तीखी चटनी के साथ खाएंगे ना तो ये बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, और जो लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते उनको मीठी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं आप। ये देखिए पूरी तरीके से अंदर बाहर हर चीज़ पक चुका है, इसके सारे जो एरिया है, कॉर्नर हो गया, बीच का एरिया हो गया, सब इतने अच्छे से ये पक रहा है मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम करके, क्योंकि इसका जो बैटर तैयार किया गया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, ना बहुत टाइट था ना बहुत ज़्यादा लिक्विड था, इस वजह से ये बहुत ही अच्छी अच्छी से बन के तैयार हो गई है। तो मैंने उस एक कप आटे में दो बना करके रेडी कर लिया है, इसके साथ ही मैं दो और बना करके तैयार कर लेती हूँ। गर्मा गर्म हमारे नाश्ते तैयार हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ हम सॉस सर्व कर रहे हैं, क्योंकि मीठी चटनी के साथ अच्छा लग रहा है ये, और तीखी अगर आपके पास है तो तीखी वाली के साथ खाइए। ये देखिए तीसरा, इसी तरीके से चार हमने बना के रखा है, ये देखिए चौथा है ये, और ये आप देख सकते हैं इतना इजीली ये कट जा रहा है, बिल्कुल टाइट नहीं है कहीं से, बहुत ज़्यादा लचीला है। ये देखिए अंदर बाहर हर तरफ से इतनी अच्छे तरीके से पका हुआ है कि कहीं भी कच्चापन नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिए, पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।